एंड वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पाकिस्तान में अक्सर आपने ये जुमला अपने घरों में सुना होगा, टेलीविजन स्क्रीन पे सुना होगा, अखबार में पढ़ा होगा। लीडर नहीं बनते पाकिस्तान में, बहुत सारे कारकुन हैं मगर लीडर नहीं बनते पाकिस्तान में। मगर हाँ, कुछ पर्सनालिटीज ऐसी हैं जिन पर, किधर गए, कौन सा कैमरा, ये अभी तक अच्छा, ओके। सो मगर कुछ पर्सनालिटीज ऐसी हैं पाकिस्तान में जो इस बात को गलत साबित कर देती हैं, और जब ऐसी पर्सनालिटीज आपके सामने आती हैं तो आपको यकीन होने लगता है, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। इसी मट्टी ने बहुत सारे जवान पैदा किए और इसी मट्टी ने आमिर लियाकत भी पैदा किए। एक ऐसी पर्सनालिटी जो चाहे मिनिस्टर हो या ना हो, जिसका चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक हो ना हो, चाहे किसी चैनल से ताल्लुक हो ना हो, उन तमाम बातों से बहुत आगे। आप बहुत रिलाय करते हैं, हम बहुत रिलाय करते हैं। जब वो बोलना शुरू करते हैं तो बकिया तमाम लोग चुप हो जाते हैं, बल्कि आपका दिल चाहने लगता है कि सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर वो बोले। लेट्स वेलकम ऐसी पर्सनालिटी, आमिर लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। गलत कहते हैं हम लीडर्स हमारे यहाँ है नहीं। देखिए, कौमों की तरक्की में हमेशा रहनुमाओं का किरदार रहा है, लेकिन मसला ये है कि काफिले दलदलों में जा ठहरे, रहनुमा फिर भी रहनुमा ठहरे। तो अच्छे रहनुमा ज़रूर बनते हैं कौम में, और ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिना ये हमारे रहनुमा ही तो थे, और अवाम में से उठ कर आए। तो मैं समझता हूँ कि लीडर से कहीं ज़्यादा अहमियत होती है रहनुमाई करने वाले की। अब वो रहनुमाई कोई भी कर सकता है, जरूरी नहीं कि उसके उसके साथ, उसके लिए जरूरी हो कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हो, या उसके लिए जरूरी हो कि आप किसी चैनल के हेड हो, कुछ नहीं, या कुछ भी नहीं। अब आप माशाल्लाह सुबह रहनुमाई करती हैं लोगों की, एक उनकी सुबह होती है आपके साथ। नहीं, लेकिन आप, मैंने जो आपके बारे में कहा वो गलत नहीं है। हमारे यहाँ आज भी हमारे घरों में ये डिस्कशन हो रही होती है, आज भी मेरे घर में मेरे वालिदैन अब एक दूसरे से बैठे डिस्कस कर रहे होते हैं, ये बच्चा भाई, ये जो बच्चा आया है ना, ये तो वो वाली बात है। तो अभी लोग आप पे इतना रिलाय करने लगे हैं, लोग आपकी अहमियत उन तमाम लीडर से कहीं ज्यादा हो गई है जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं या इस वक्त ऐवानों में बैठे हैं। देखिए ना शायस्ता, ये कितनी बड़ी बात है कि लोग मुझे बच्चा कहकर, भाई कहकर, यानी मुझसे खुद ही रिश्ते जोड़ लेते हैं। जहाँ रिश्ते नहीं जोड़ पा रहे हैं, जिस माहौल में रिश्ते टूट रहे हैं, रिश्ते खत्म हो रहे हैं, वहाँ अगर आपसे कोई रिश्ता जोड़ना शुरू कर दे, क्या बात है, तो आपके लिए इससे बढ़कर और क्या बात है। सही बात, सही बात। तो ये बस एजाज है। तो आपका पहले तो बहुत शुक्रिया जनाब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी मोहब्बत से बुलाया। देखें, मैं आपके प्रोग्राम में आकर ये बात कहूँ तो शायद लोग ये समझें कि मैं आपके मुँह पर तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन मेरी खुद बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी आपके प्रोग्राम में आने की। और आपको पता है कि मैं जाता ही नहीं हूँ अमूमन, और हमारे अपने जो चैनल में मॉर्निंग शो होता है मैं वहाँ कभी नहीं गया, लेकिन मेरी खुद की ख्वाहिश थी कि आप मुझे बुलाएं और मैं आऊँ आपके प्रोग्राम में। माशाल्लाह आपने इतना ग्रूम किया है, इतना अच्छा प्रोग्राम करती हैं, और मेरे लिए इसलिए भी बाइस एजाज है इस प्रोग्राम में आना, क्योंकि आपका मॉर्निंग शो वो वाहिद मॉर्निंग शो है जिसमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान भी आए हैं जी। इस लिहाज से इसमें एक मजहबी टच भी आया है, एक आपने इतना खूबसूरत वो फ्लेवर मजहबी लिया था, और मुफ्ती साहब तशरीफ लाए तो मेरे लिए वैसे भी आना बहुत जरूरी हो गया था। और आप यकीन करें कि मुफ्ती साहब को जिस वो बड़े थके हुए थे जिस दिन मैंने बुलाया है, और मुझे रात तक यकीन नहीं था कि वो आएंगे, और मैं रात तक उन्हें कन्वेंस, मुफ्ती साहब प्लीज 30 मिनट दे दीजिए, मुफ्ती साहब प्लीज, और वो बेचारे पूरी रात के जागे हुए थे उन दिनों में, उनका जाहिर है जाना आना बहुत लगा हुआ था, तो वो कहते मैं इस चैनल पे जा रहा हूँ, उस चैनल, प्लीज मेरे प्रोग्राम के लिए 30 मिनट निकाल दीजिए। और अगर वो देख रहे हो इस वक्त प्रोग्राम, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगी कि इतनी थकन के बावजूद भी, इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी वो आए, और यू नो यहाँ आके उन्होंने रौनक। कीप वॉचिंग एंड कीप ड्रीमिंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।